नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र है। दोस्तों, जैसे आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं अपने, ये इंग्लिश गुलाब का पेड़ है, और मतलब पौधा है या पेड़ कह लीजिए, बहुत बड़ा हो गया एक्चुअली। और ड्यूअल कलर है ये, मतलब पंखुड़ियों में इसकी पीले रंग का भी है और लाल रंग भी है, और नीचे एक जो डाली है उसमें बिल्कुल प्योर येलो कलर आता है। तो मतलब ड्यूअल कलर तो गुलाब एक ही गुलाब में है, और वो एक तो मतलब आप कह सकते हैं कि भाई दो रंग के फूल आते हैं इसमें, अलग अलग रंग के फूल आते हैं, एक पीले रंग का भी है। तो अब जैसे कि आप ये जानते हैं सितंबर, क्योंकि गुलाब जो है वो सर्दियों का पौधा है, और अभी जो महीना है, क्योंकि इसकी जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हो जाती है अक्टूबर से, जो नई ग्रोथ जो है गुलाब की, और जो जितने भी फ्रूट्स के प्लांट हैं जो हमारे, उनको भी इस टाइम सितंबर के महीने में, चाहे वो गुलाब हो चाहे वो फ्रूट्स के कोई भी पौधा हो, उनको इस टाइम जो है उनका प्रूनिंग करने का, उनकी कटाई छटाई करने का महीना कह सकते हैं या समझ सकते हैं आप। तो मेरे पास ये दो गुलाब हैं, आप ये इंग्लिश गुलाब देख सकते हैं, और ये जो है वाइट है जो कि देसी है, और आप देखेंगे बहुत ज़्यादा, बल्कि इसकी तो मैं जो है बीच में भी बहुत कटिंग करता हूँ, फिर भी ये इतना फैल गया। आप ये देखें वहाँ तक, वो ऊपर तक आ गया, वहाँ ऊपर तक देखिए, ऊपर तक आ गया। तो मैं सोच रहा था इन दोनों की आज थोड़ी सी हार्ड प्रूनिंग कर दूँ, स्पेशली वाइट वाले की। इसकी तो इतनी ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि ये ज़्यादा फैला नहीं है, ना फैलता ज़्यादा इंग्लिश रोज इतना, लेकिन फिर भी इसकी प्रूनिंग करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसकी प्रूनिंग करना। मोटे मोटे तो, क्योंकि प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जो पेड़ है वो अपनी जो ग्रोथ है वो नहीं बढ़ाता। तो इसीलिए तो मैंने एक साइज से ऊपर के मतलब एक बराबर करके मैंने काट दिया यहां से। और पिछली बार इसने इतनी ग्रोथ की थी ऊपर की तरफ, आप ये देखें, आपको एक डाली दिखाऊं, ये देखिए ये जो डाली है आपको शायद वीडियो में इतनी मोटी दिखाई नहीं दे रही होगी, लेकिन ये बहुत मोटी डाली है। और जब ये निकल गई नीचे से, क्योंकि यहाँ ग्राफ्ट है इसका, यहाँ पर इसका ग्राफ्ट है, तो यहाँ ग्राफ्ट से ये निकली और ऊपर गई, तो इसने ये जो है हल्ला मचा दिया ऊपर जाके, और इतना हल्ला मचाया कि इतनी मोटी जो है इसने इतनी ज़्यादा ग्रोथ होगी ऊपर के, ऊपर जो है इसका जो पेड़ पौधे गुलाब की जो पौधा है, इसकी झोंक जो है वो पीछे की तरफ हो गई। ये देखें आप, पीछे झुका हुआ भी थोड़ा सा आपको देख रहे होंगे इसको, अगर मैं आपको इधर से दिखाऊं तो ये देखिए, ये देखिए ये दीवार की तरफ झुक गया, क्योंकि मैंने ये पिछले साल गमले में लग रहा था, और इसे फिर मैंने इसे मिट्टी में लगा दिया, क्योंकि मैंने गमला जो किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर लिया, तो इसीलिए। तो अब देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए मैंने कम से कम दो दो ढाई फुट की डालियां जो है वो मैंने काट दी। तो दोस्तों, आप अपनी कॉर्नर की स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे कि ये पिछले साल की पिक्चर्स हैं जो मैंने क्लिक की थी। आप इसमें देख सकते हैं कितने सारे गुलाब लगे हुए हैं, बहुत सारे फूल आए हुए हैं, अच्छी प्लांट की ग्रोथ देखिए, हेल्थ देखिए कितनी अच्छी है इसमें। और इससे आपको एक रेफरेंस के टाइप पे आपको पता लग जाएगा कि भाई पिछले साल इसकी मतलब हेल्थ कैसी थी, ग्रोथ कैसी थी, कितने फूल आए थे। तो ये मैंने पिक्चर्स जो है आपकी रेफरेंस के लिए डाली हैं। डाली नहीं निकल रही हो, नहीं और सूख रही हो, उसको ज़रूर काट दें। और ये तो आप जो है 12 महीने कभी भी कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपके पौधे में जो है पौधे में अगर आपको लग रहा है कि डाली सूख रही हैं, उनको निकालते रहिए तो सही रहेगा। अभी देखिए ये भी डाली निकल सूख गई थी। तो अब इन डालियों को निकालने का फ़ायदा ये रहता है कि भाई इसमें जो है जो
एग्जिस्टिंग जो ब्रांचेज हैं, जो अभी जो ब्रांच हैं, उनको फलने फूलने का मौका मिलता है। तो ये जो है इनको धूप लगेगी, क्योंकि सर्दियों में, सर्दियों का प्लांट है गुलाब, तो जितनी इनको हवा लगेगी, जितनी अब सर्दियों में सूरज की जो रोशनी लगेगी, उतना ही ये जो है फूल, बड़े फूल होंगे इसके और उतने ही ये ग्रो करेगा। तो दोस्तों ये मैंने प्रूनिंग कर दी है, और जो है देखेंगे आप, आपको मैं अगर नीचे से दिखाऊं तो अब जो इसकी टोटली लेंथ जो है, आप ये मान लीजिए 3 फुट के आसपास रह गई है। पहले ये करीब करीब 5 फुट के आसपास हो गया था, अब ये सिर्फ 3 फुट के आसपास ही रह गया है। और अब जो है इस वाइट वाले की, इसकी थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, उसमें तो ज़्यादा, क्योंकि वो इंग्लिश गुलाब था तो कांटे इतने नहीं थे उसमें, लेकिन ये देसी गुलाब है तो इसकी जो कटिंग है वो ज़्यादा करनी पड़ेगी। चलिए मैं कटिंग कर देता हूँ पहले, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, आप देख रहे होंगे कितनी हार्ड प्रूनिंग कर दी है मैंने अपने इस वाइट वाले जो देसी गुलाब की, ये देख रहे होंगे आप, यहाँ तक ये सिर्फ जो मैंने मेन जो ब्रांचेज हैं वो ही रखी हैं मैंने, बाकी सारी जो है मैंने प्रून कर दी हैं, छोटी छोटी जितनी भी थी ऑलमोस्ट सारी प्रून कर दी हैं मैंने। अब आपको बहुत कम ही दिखाई दे रही होंगी, तो क्योंकि देसी गुलाब है बहुत जल्दी ग्रोथ करता है, तो इसीलिए जो है मैंने प्रून कर दिया है इसको सारा। जब आप देख रहे होंगे हार्ड प्रूनिंग, कितनी हार्ड प्रूनिंग की है मैंने गुलाब की। तो दोस्तों ये एक अपडेट था, आप भी अपने जो भी आपके फ्रूट्स के प्लांट हैं या जो भी आपके गुलाब के पौधे, अगर आपने गमले में या टेरेस गार्डन में जो भी फ्रूट्स के प्लांट, जहाँ पे भी आपने लगा रखे हैं, चाहे वो छत पे लगा रखे हों, चाहे वो आपने नीचे ज़मीन में लगा रखे हों, चाहे गुलाब के अपने गमले में या नीचे कहीं पे भी लगा रखे हों, कोई से भी पौधा जो सर्दियों का है स्पेशली, और जो फ्रूटिंग के जो फ्रूट दे चुके हैं, उनको इस टाइम जो है कटाई छटाई की बहुत सख्त ज़रूरत होती है, ताकि उसकी ग्रोथ आगे और हो सके। तो उनकी कीजिए हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं आप जैसे आप अपना पौधा है आपका, उस हिसाब से आप उसकी हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वो देखिए सामने गुलाब, तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप इससे मल्टीप्लाई भी करना चाह रहे हैं तो, क्योंकि इंग्लिश गुलाब की तो डाली लगती नहीं है, लेकिन जो ये देसी गुलाब है इसकी कोई भी कच्ची वाली डाली नहीं, कोई पकी हुई जो जो जिसका कलर ब्राउन कलर का हो रखा हो वो ज़रूर लगा सकते हैं आप, कच्ची हुई डाली जो है वो नहीं सफल हो पाएगी। और तो दोस्तों ये एक अपडेट था प्रूनिंग से रिलेटेड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।